फ्रेंड्स, हम उस वक्त परेशान हो जाते हैं जब गैस चार्ज करते समय चोकिंग की समस्या आ जाती है। मतलब जैसे ही हम गैस चार्ज कर रहे हैं, गैस चार्ज करने के कुछ ही देर बाद जो है, जो कंपाउंड गेज की सुई होती है वो माइनस में चली जाती है, तो यह चोकिंग की समस्या कहलाता है। और यह चोकिंग बार बार यदि आने लगता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इसी विषय में आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, और इसी से संबंधित हमारा ये डीप फ्रीजर में फॉल्ट आया था। और बार बार हम गैस चार्ज करें, मतलब तीन बार गैस चार्ज करने के बाद चौथे बार में ये सक्सेस हुआ है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कंडेंसर का लीकेज था, तो कंडेंसर हम इसको निकाल दिए हैं पुराने वाले को और नया ला दिए हैं। तो नए वाले को हम उसके जगह पर कसेंगे, और कसने के लिए आप देख सकते हैं कि चार स्क्रू बना हुआ है। दो स्क्रू इस फैन के बगल में है और दो सामने की तरफ आपको दिख रहा है। और इसको जो है, इसके कंडेंसर के ये चार जो स्क्रू कसने के लिए जगह है, उसके द्वारा हम कंडेंसर को बॉडी के साथ कस देंगे। और इस कंडेंसर को कसने के बाद आपको पता है कि कंडेंसर में दो लाइनें होती हैं, और इन दोनों लाइनों पर सेफ्टी के लिए जो है कि इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, रबर का कवर। और दोनों में हम बारी बारी से इन रबर के कवर को निकालेंगे। और कंडेंसर के एक लाइन को कंप्रेसर के डिस्चार्ज से जोड़ा जाता है, और उसके दूसरे लाइन पर फिल्टर जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन का और कंडेंसर का मुंह दोनों का सेम था, मतलब पाइप का व्यास सेम था, तो एक पाइप का व्यास बढ़ाना है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पर स्विचिंग कर रहे हैं, और स्विचिंग करने के बाद ही हम उसको एक दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे। तो फिलहाल ये स्विचिंग कम्प्लीट हो चुका है, और इसको हम जो है कि इस पाइप के साथ जोड़ेंगे। और इसको जोड़ने के लिए बिल्कुल लाल करना होता है पाइप को, और उसके बाद ही हम जो है कि इस ब्लीचिंग राड के द्वारा उसको जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद एक बात और कंफर्म कर लेना है कि नीचे से उसका लीकेज तो नहीं ना है। तो इसके लिए हम ये शीशे का उपयोग करते हैं ताकि वो पता चल पाए कि नीचे का पाइप लीकेज नहीं ना है, मतलब वहाँ पर छूटा तो नहीं ना है। उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर को जोड़ेंगे दूसरे मुँह पर। और फिल्टर में ये जो एक पाइप आप देख सकते हैं, इस पाइप का काम होता है सेल्फ वैक्यूम करना, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसमें सेल्फ वैक्यूम नहीं करने वाले हैं। पहले हम इसको जोड़ देंगे, और इसका जो मुंह है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इसको अभी फिल्टर को हम कंडेंसर के आउटलेट साइड पर जोड़ रहे हैं। कभी भी जोड़ लगाते समय बेहतर जोड़ लगाया जाए। और उसके बाद ये कैपिलरी जोड़ने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसका मुंह खुला है कि नहीं खुला है। यदि नहीं खुला है तो उसका मुंह खोलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से चोकिंग की समस्या बार बार आ सकती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं फिल्टर को हमने जोड़ दिया है, और ये जो है अभी पाइप को हम पिंच करके सामने से दबा करके बंद भी करेंगे, और कैपिलरी को इसके जगह पर हमें फिट करना है। तो दोनों काम ये हम सेम करेंगे, बाकी हमारा जो वैक्यूम है वर्कशॉप कंप्रेसर के द्वारा किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इस सेल्फ वैक्यूम वाले पाइप को भी दबा करके रखेंगे ताकि दोनों को एक साथ, कैपिलरी और इसको दोनों को एक साथ हम वेल्डिंग कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैपिलरी को वेल्ड करते हैं। कैपिलरी की वेल्डिंग करते समय मतलब यह ध्यान रहे कि उसका मुंह जो है कुछ दूरी तक अंदर जाना चाहिए, और उसके बाद जो है ये सेल्फ वैक्यूम वाला जो पाइप था उसको भी हमने बंद कर दिया है। और ये सारा चीज़ करने के बाद अब हमारा काम रह जाता है वैक्यूम करना, जो कि यहाँ से हम करेंगे चार्जिंग पाइप से। वैक्यूम करने की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया था। वर्कशॉप कंप्रेसर से हमने इसमें वैक्यूम किया, बेहतर वैक्यूम किया, लेकिन हमारे पास जो वर्कशॉप कंप्रेसर है वो थोड़ा सही से वैक्यूम नहीं कर पा रहा, मतलब सुई -30 तक नहीं जा पा रही थी। और इससे जो है गैस चार्ज करने के बाद बार बार इसमें चोकिंग की समस्या आ रही थी। और आप देख सकते हैं ये कैपिलरी ऐसे जगह पर लगी हुई है कि कैपिलरी को चेंज करना मुश्किल का काम है।
मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन कस्टमर से जब मैं बात किया तो वो बोले कि नहीं, डीप फ्रीजर को ये ऐसे खोलना नहीं है, मतलब ये फाड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कैपलरी है और ऊपर से ये सीट हटानी पड़ेगी, तब जाके कैपलरी चेंज हो पाती है। लेकिन वो कैपलरी चेंज नहीं किए हम, बिना कैपलरी चेंज किए भी हो जाता है। लेकिन यदि आप कैपलरी चेंज कर देते और वैक्यूम करते तो शायद जो है हमें 2-3 बार जो है ये गैस चार्ज नहीं करना पड़ता। तो यदि आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कैपलरी को और फिल्टर को दोनों को चेंज कर दें। और उसके बाद जो है हमने 3 बार इसमें कोशिश किया था, वैक्यूम भी बढ़िया किया, सेल्फ वैक्यूम भी करके देख लिया, वर्कशॉप कंप्रेसर से भी वैक्यूम करके देख लिया। उसके बाद हमने जो है अपना दिमाग लगाया, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि जो सुई है जो -30 पर जानी चाहिए थी कंपाउंड गेज की सुई, वो नहीं पहुँच पा रही थी, जिसके कारण से कुछ नमी उसके अंदर रह जा रहा था और नमी इस कदर उसके अंदर घुस गया था कि वो निकल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद हमने जो है एक एसी का कंप्रेसर हमारे पास है, तो एसी के कंप्रेसर के द्वारा भी हमने वैक्यूम किया और सेल्फ वैक्यूम भी किया, दो दो वैक्यूम एक साथ किया। तो एक वैक्यूम के लिए ये कैपलरी आप देख सकते हैं, सेल्फ वैक्यूम में हमने एक कैपलरी लगाया हुआ है, तो इस कैपलरी को काट करके वैक्यूम उस कंप्रेसर से किया और इस कंप्रेसर से, मतलब जो सिस्टम में लगा कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर से लगभग 25 मिनट तक हमने वैक्यूम किया था। और उसके बाद इसकी जो सुई थी -30 से थोड़ी सी पहले ही रुक गई थी और उसके आगे नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद जो है हमने इस सारा सिस्टम कंप्लीट करने के बाद, मतलब सेल्फ वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद, फिर से जो है ये जो हमारे पास एसी का कंप्रेसर है, एसी के कंप्रेसर के द्वारा, इस एसी के कंप्रेसर के द्वारा हमने फिर से वैक्यूम किया, मतलब डबल वैक्यूम किया, 2 बार वैक्यूम करने के बाद। और इससे भी वैक्यूम किया था तो मैंने 25 मिनट किया था, और उससे उस कंप्रेसर सेल्फ वैक्यूम भी किया तो 25 मिनट किया। और उसके बाद जब गैस चार्ज किया तो बिल्कुल फिट रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ये सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइस आ रहा है हल्का हल्का प्लेट के ऊपर, और नीचे के तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आइस आया हुआ है हल्का हल्का, और नीचे हमने डिस्पोजल के गिलास में ये पानी रखा था जो कि जम चुका है। एक बात और आप लोगों को बता दें कि जब भी आप इसमें गैस चार्जिंग करने से पहले जो वैक्यूम की प्रक्रिया की जाती है, तो वैक्यूम यदि बार बार परेशानी आ रही है तो ऐसे में इसके अंदर के बॉडी को गर्म करना ज़रूरी होता है, यदि मेटल का है तो, यदि प्लास्टिक का है तब तो आप उसमें गर्म नहीं कर सकते हैं। उसको जो है उसके अंदर 200 वाट या 100 वाट के 2-4 बल्ब लटका सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर गर्मी पैदा हो सके, ताकि पाइपों के अंदर जो नमी है वो बाहर निकल सके। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल सही काम कर रहा है। हमें सिर्फ इस बात पर चर्चा करना था, मतलब हम इसमें गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को नहीं दिखाएं, लेकिन इस बात को आप समझ पाए होंगे कि जो गैस चार्जिंग करते समय बार बार चोकिंग हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा था। तो वैक्यूम हमारा सही से नहीं हो पा रहा था, और वैक्यूम सही से नहीं होने के कारण से ही हमारा सिस्टम चोक हो रहा था। और इस तरह से हमने इस सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद बगल में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।